लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है? तो देखिए, लॉरेंट्स फोर्स के लिए हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस moving space where both electric and where both electric and magnetic field exist. ठीक है, इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स. क्लियर है यहां तक? इसका मतलब यह है कि लॉरेंट्स फोर्स इज बेसिकली समेशन ऑफ टू फोर्सेस. कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. मतलब हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने अलग से पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स हमने अलग से पढ़ा है. लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स. और वो कॉम्बिनेशन जो है उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बोलो, क्लियर है यहां तक? तो जैसे अगर हम ये कहें कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ठीक. और अगर हमें कहा जाए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी. राइट, ये इक्वेशन नंबर वन और ये आपका इक्वेशन नंबर टू, ये दो हो गया. ठीक. तो F is equals to Q into E plus F is equals to Q times of V cross B. अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो ये हमें दे देगा F is equals to FE that is electrostatic force plus FM that is magnetic force. तो FE जो है वो हो जाएगा Q times of E plus FM जो है वो हो जाएगा Q times of V cross B. ठीक. तो यहां पे Q को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा E प्लस V क्रॉस B. तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया लॉरेंट्स फोर्स. ठीक है सर. बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो होता है, दोनों का समेशन होके, है ना? बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ. सर, वॉइस बहुत क्रैश होके आ रहा है. वॉइस क्रैश होके आ रहा है भाई? बाकी लोगों को आ रही है? सबको दिक्कत आ रही है आवाज में? थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है. थोड़ा थोड़ा आ रहा है? हाँ सर, डिले भी हो रहा था थोड़ा.
डीले तो ठीक है भाई, वो तो कभी कभार हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। आगे देखिए, सपोज हमें एक क्वेश्चन मान लो इस तरीके से दिया जाता है, दैट फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू चार्ज क्यू वन, ये अगर पूछा जाए, फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू चार्ज क्यू वन, ठीक। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसके अंदर हमने देख भी लिया था कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, याद होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है क्यू चार्ज, ठीक है, और ये जो क्यू चार्ज है ये वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है यहां से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज ले लिया है क्यू, अब मतलब ये वन है और ये टू है, ठीक है, और ये जो क्यू चार्ज है ये वी वेलोसिटी से रिलीज किया जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू चार्ज क्यू वन किस पे निकालना है, तो टू पे निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, तो क्यू वन की वजह से निकालना है। तो आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि जब क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसकी वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अरे मिलेगी कि नहीं भाई, जब क्यू चार्ज ट्रेवल करेगा तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो देखो, डीबी इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी क्रॉस आर बाय मोड ऑफ आर क्यू, ठीक है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, अब आप वी क्रॉस आर करो, वी क्रॉस आर करोगे, देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये वी है ऊपर की तरफ जा रहा है लाइक दिस, और आर इधर है, तो वी क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी। क्या किया, ये वी ऊपर की तरफ, ये आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ। कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ मिलेगी, सेकंड वाले पे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितने लिखेंगे, देखो, तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू टाइम्स वी क्रॉस आर। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये आपका वी है और ये आपका आर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90। कितना एंगल आ रहा है, 90। तो वी क्रॉस आर, तो वी आर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो क्या लिख सकते हैं, वी इंटू आर, डिवीजन में है मोड ऑफ आर का क्यूब। अब आर का क्यूब है तो यहां से आर चला जाएगा, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू टाइम्स ऑफ वी बाय आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास में। अब आपको फोर्स अगर निकालना हो कि भाई फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, क्यू पता है, वी पता है, ठीक है। तो वी क्रॉस बी, देखो जो सेकंड वाला चार्ज है उसकी वी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। देखो वी, ये वी क्रॉस
बी, तो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड पे, फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड पे, तो देखो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, बोलो आई बात समझ में। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं Q इंटू वी, V क्रॉस B, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो क्यू वी बी साइन 90, राइट, तो क्या आ जाएगा क्यू वी बी। अच्छा अब आपको B का वैल्यू पता है, क्या है B का वैल्यू, तो लिखेंगे Q इंटू वी, B का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई Q इंटू वी बाय आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहां पर जो फोर्स मिलेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, हम इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसे लिखेंगे Q स्क्वायर V स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, मैग्नेटिक फोर्स आ गया Q स्क्वायर V स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो यहां तक किसी को भी दिक्कत, अरे भाई समझ में आया, हाँ सर, यस सर, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अब एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है वो समझो, ये एग्जाम्पल से आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, काव्या काव्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, यस और नो, नहीं, हाँ नो नो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाता है, ठीक है, दूसरी चीज समझो, देखो भाई यहां पर समझो, ठीक, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी ना, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ सर, तो यहां पर हमें फोर्स भी मिलेगा, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को, अरे यहां तो कोई दिक्कत है, अभी निकाला ना ये वाला हमने, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि फोर्स अब आप समझो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली, लेकिन जब आप यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे क्यू वी बी, मतलब कि क्या लिखेंगे, F is equals to Q times of V cross B, यही तो लिखेंगे, यस और नो,
तो अगर आप यहां पर बी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स कहां मिलेगा आपको, इसका वेलोसिटी यहां जा रहा है, देखो इधर स्क्रीन पे वेलोसिटी भी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां मिलेगा आपको, फोर्स कहां मिलेगा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो F21 करेंगे क्यू क्रॉस क्यू इंटू बी क्रॉस बी, तो यहां पर हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, यस और नो, और ये फोर्स कहां मिलेगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑन चार्ज Q1, अगर हमसे पूछा जाए फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा बता सकता है कोई? तो उसको निकालने के लिए आप सबसे पहले तो एक चीज समझो कि V क्रॉस R आप करेंगे, क्या करेंगे, V क्रॉस R करेंगे ना सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यस और नो? वेलोसिटी वेक्टर वी इधर है, आर वेक्टर भी वही है, वी और आर दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो वी और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, जीरो, जीरो। तो यहां पर क्यू सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट पोजीशन पे मतलब क्यू वन पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिल रही है तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस डजंट, मैग्नेटिक फोर्सेस डोंट मेक एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, हम लोगों ने आगे स्टडी किया था कि जब क्यू चार्ज है, जब आप उसको वी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे इनिशियली अगर मैं बात करूं तो हमने वहां पे ये स्टडी किया था कि क्यू चार्ज जब वी नॉट वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने आगे भी कुछ केसेस स्टडी किए हैं जिसके अंदर हमने ये कहा है कि भाई अगर आप क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करवाते हो तो जब चार्ज ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट फिर भी हमने वहां पर कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर किया था, मैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर नहीं किया था। तो ऐसा क्यों, मतलब ये जो क्यू चार्ज है ये कुछ इस तरीके से डेविएट होता था, आप लोगों को याद है या नहीं है? हेलो, ये जो वो कुछ इस तरीके से डेविएट होता था। अब ये जो डेविएशन आता था तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लगता था तभी आता था। तो हम लोगों ने वहां पर स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है, बट रियलिटी में मैग्नेटिक फोर्स का भी कोई ना कोई रोल तो है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर मैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर न करते हुए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर किया। तो ऐसा क्यों, तो वो देखिए, अगर हम यहाँ पे समझें इस चीज को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाता है म्यू नॉट क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाय फोर पाई आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है, तो रेशियो आप देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं रेशियो निकालूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या है, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाय फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, समझिए, yes. ये जो के है उसको क्या लिखेंगे, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर पाई आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा म्यू नॉट इंटू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर,
ठीक, तो ये 4π गया, ये 4π गया, यहां से क्यू स्क्वायर गया, यहां से क्यू स्क्वायर गया, ये आर स्क्वायर गया, ये आर स्क्वायर गया, बचा क्या? क्या बचा? 1 μ0ε0 into V² ये बचा। अब आपको एक चीज पता होगी कि C इज इक्वल टू वो होता है 1 √μ0 into ε0। C क्या होता है? 1 √μ0 into ε0। तो यहां पर मैं कहीं ना कहीं 1 √μ0 upon ε0 को रिप्लेस कर सकता हूँ C स्क्वायर से, तो नीचे आ जाएगा V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स का जो रेशियो लिया वो क्या जाता है? C स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C बाय V का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? C बाय V का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। हमने यहाँ पे देखा C बाय V का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या हो गया कि C by V का होल स्क्वायर, आपको पता है कि C that means 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो डेफिनेटली ये बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, यस और नो? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इज आल्सो ग्रेटर 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 देन मैग्नेटिक फोर्स, यस और नो? यस सर। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू चार्जेस, इन केस ऑफ टू मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसीलिए हम वहां पर मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ टू मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बढ़िया सा टॉपिक आता है जिसे आप लोगों के बुक के अंदर वेलोसिटी फिल्टर के नाम से दिया गया होगा या वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम से दिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी फिल्टर कहें या वेलोसिटी सिलेक्टर कहें, ये क्या है वो हम स्टडी करते हैं। तो हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी फिल्टर, या फिर हम उसे कह सकते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक, अब देखो क्या होता है। हमने क्या किया, यहां पर हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पहली चीज तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक, अब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर q चार्ज विथ मास m अगर मैं उसे रिलीज करूंगा इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बताना जरा। q चार्ज विथ मास m, इफ आई विल रिलीज इट विथ वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स कहां लग रहा होगा? अरे फोर्स कहां लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लग रहा होगा फोर्स? तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो कहां लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। अगर हमें ऐसा फोर्स चाहिए, मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है, किसको ऐड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है, ऐड कुछ इस तरीके से करना है। अब बेटा फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये जो चार्ज है वो तो कुछ इस तरीके से डेविएट हो जाएगा, यस और नो? होगा या नहीं? यस। अगर ये चार्ज को हमें डेविएशन नहीं करना है और हमें ऐसा करना है कि भाई ये जो चार्ज है, ठीक है, ये यहां पर मान लो मैंने एक स्क्रीन जैसा रखा हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि ये जो चार्ज है ये चार्ज सीधा सीधा जाए, मतलब कि ये डेविएट ना हो और सीधा सीधा चार्ज यहां से पास हो जाए, मैं ये चाहता हूं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि ये जो चार्ज है ये सीधा सीधा जाए ऐसे। तो ये कब जाएगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब इस पे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तभी ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सीधा सीधा यहाँ से पास हो पाएगा, यहाँ से वो वी वेलोसिटी के साथ में अनडेविएटेड फॉर्म में निकलेगा। कैसी फॉर्म में? अनडेविएटेड फॉर्म में। इसे ही हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर। क्या कहते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। अगर वेलोसिटी इफ वी डैश इज ग्रेटर देन वी, मतलब जो वेलोसिटी हमने दी है उस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगी तो वो यहाँ जाके टकराएगा, अगर वेलोसिटी लेस देन वी होगी तो वो यहाँ जाके टकराएगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ वी वेलोसिटी होगी तभी वो यहाँ से अनडेविएटेडली पास हो पाएगा। बोलो, आई बात समझ में? लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? तो ये वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए वो देखो, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट किया, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो ये है क्यू वी वी, तो क्यू से क्यू गया, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो वेलोसिटी होनी चाहिए ई बाय बी का रेशियो के इक्विवेलेंट। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ई बाय बी के रेशियो के इक्विवेलेंट। तभी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगी? अनडेविएटेड, ठीक है, फॉर्म में पास हो जाएगी। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Vector E is always perpendicular to B. Vector E is always perpendicular to V. None of the above. बताइए क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि q टाइम्स ऑफ e प्लस q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं दैट q टाइम्स ऑफ e इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ q इनटू v क्रॉस b। ठीक, ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? माइनस ऑफ V क्रॉस B। बोलो, क्लियर है? अरे भाई, समझ में आया? हाँ, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू V एंड वेक्टर E इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही है? B और C, ये दोनों ऑप्शन सही है। कौन कौन से ऑप्शन सही है बेटा? बी एंड सी, बोथ ऑप्शंस आर राइट। बोलो, क्लियर है? यस यस। ठीक, चलो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब आगे देखो। सर, फिर से क्वेश्चन करो तो ऑप्शन लिखने बाकी है। अरे, इतनी देर से लिख के रखा हुआ था बेटा मैंने। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल लिए हुए हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों को पैरेलल लिया हुआ है। और यहां पर हमने लिया है क्यू चार्ज विथ मास एम। क्या लिया है? क्यू चार्ज विथ मास एम।
अब इसके ऊपर ये बताओ कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। क्यू चार्ज विथ मास एम को हमने रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, क्यू चार्ज विथ मास एम को हमने रिलीज कर दिया। अब जब मैं इसे रिलीज कर देता हूं तो रिलीज करने की वजह से देखो ई नॉट और वी नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, यस और नो। तो इसके ऊपर ये जो क्यू चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, क्यू ई, यस। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू जीरो, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। इन सच केस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड होगी इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्पीड यहाँ पर चेंज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चेंज नहीं होगी। बोलो क्लियर है, हेलो, यस ग्रेट। अब दूसरी चीज समझिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने सिमिलरली कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले ली लाइक दिस, ठीक। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और दूसरा ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या किया हमने, क्यू चार्ज विथ मास एम और वी वेलोसिटी से उसे रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेम एंड दे आर पैरेलल, ठीक है, ये कैसे है, पैरेलल है। अब आप बताओ ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा भाई, बताइए, भाई अगर हम ये कहें कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन कैसे करेगा बेटा। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो v वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो ये v और ये b, तो v क्रॉस b करो तो फोर्स कहाँ लगेगा इसके ऊपर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और ये चार्ज पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अनदर वन इज अ मैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्लियर है, यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक, अगर हम इस फोर्स को भूल जाए एक टाइम के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, समझिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भूल जाऊं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को ध्यान में रखूं, तो वेलोसिटी वी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो वी क्रॉस बी, तो फोर्स कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, फोर्स कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमा रहा होगा, ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा सर्कुलर मोशन में, यस और नो भाई। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो आपने क्या पढ़ा था कि कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यस और नो, यस। तो वहां पर अगर हम देखें, अगर सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखता हूं तो ये कैसा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, राइट। और अगर मैं ये कहूं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, जो उसे आगे की तरफ ले जा रहा है, तो इसका किस तरीके का मोशन होगा, तो देखो ये जो v वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा ये पहले तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है साथ साथ में, आगे की तरफ भी मूव करेगा कुछ, क्या करेगा, आगे की तरफ भी मूव करेगा कुछ इस तरीके से, देखिए बोलो, आई बात समझ में, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर कैसा पाथ फॉलो करेगा ये,
हेलिकल पाथ, कैसा पाथ, इट विल फॉलो हेलिकल पाथ, इट विल फॉलो हेलिकल पाथ, बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, इट विल फॉलो हेलिकल पाथ विथ वेरिएबल पिच. अभी पिच क्या होता है आपको पता है ना, पिच क्या होता है, पिच क्या होता है पता है आप लोगों को? यस सर. अरे पिच क्या होता है, बताया है या नहीं बताया आपको? ये दो जो टच होते हैं, देखिए ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट किया है ठीक, तो ये जो दो टच के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं पिच. इसे क्या कहेंगे, ये दो डॉट्स के बीच में ये अलग ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं पिच. क्या कहते हैं इसे, पिच. समझ में आया? यस. हेलो. अच्छा अभी पिच क्या है तो देखो आगे समझते हैं इसे. भाई पिच मतलब डिस्प्लेसमेंट, हुआ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट ही, तो मैं लिख सकता हूँ पी वन इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो इनिशियल. तो मैं क्या लिखूंगा, पी वन इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस वन बाय टू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. यस और नो? यस. तो क्या लिख सकते हैं, यू एक्स जीरो है प्लस वन बाय टू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा. यस और नो? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना आता है, QE by M. कितना आता है, QE by M into T square. तो ये आपका पिच वन आ गया, फर्स्ट पिच आ गई ठीक है. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. भाई ये देखो, ये मैंने लिख समझाने के लिए आपको लिख के बताया है कि ये पिच वन है या पिच टू है ठीक है. This. Otherwise, हम इसे स्टार्ट तो यहीं से करते हैं, बेसिक्स यहाँ शुरुआत यहीं से करेंगे. देखो ये यहाँ से जैसे स्टार्ट किया है तो ये पिच वन हुआ ठीक है. तो यहाँ पर टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा टी ठीक है. अच्छा अब सेकंड पिच, तो पी टू क्या लिखेंगे, तो पी टू लिख सकते हैं आप 1 by 2 q e by m into 2t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर. लिख सकते हैं यस और नो? भाई टाइम क्या हुआ, पहले t लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था t, अब कितना टाइम लग रहा है 2t. यस और नो? अरे पहले t टाइम लग रहा था, फिर कितना टाइम लग रहा है, टू टाइम्स ऑफ टी. यस और नो? यस सर. तो हम क्या लिखेंगे, टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. क्या लिखेंगे, टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. तो हमें क्या मिलेगा, पिच टू मिलेगा. मान लो बेटा यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम हम देखें, तो अगर ये टी है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू टी हो जाएगा कि नहीं, टू टी. तो हमने तो यही निकालना है, हमें सिर्फ इतना ही निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक का 2t टाइम माइनस दिस टाइम t, तो जो बचा वो हमें मिल जाएगा पिच ठीक है. तो हमने क्या किया, 1 by 2 qe by m into 2t का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 qe by m 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर ठीक है. बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर.
वो लोग कोई दिक्कत? यस सर। अरे कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है। अब इसमें रेडियस कितनी आ जाएगी? एम वी नॉट बाय क्यू बी, यह तो आपको पता ही है। और टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी, ये बोला था याद रखने के लिए, याद नहीं किया ना अभी तक है? नेक्स्ट देखिए, ये हमने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ले ली, ठीक। और यहाँ पे एक हमने क्यू चार्ज पार्टिकल लिया है जिससे वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है थीटा एंगल, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब बताओ इसमें इसका पाथ कैसा होगा, कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा कि नहीं? अरे भाई देखो, मैग्नेटिक, मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्यू चार्ज पार्टिकल विद मास एम को जब आप रिलीज करते हो एट एनी एंगल थीटा, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है? हेलिकल पाथ फॉलो करता है, ये तो पता ही है आपको, यस और नो? तो ये इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा कुछ लाइक दिस, यस और नो? अरे ऐसे ही पाथ फॉलो करेगा ना? यस यस सर। रुको इसको मिटा ही देता हूं। इस तरीके से, ठीक। अच्छा अब इसमें हेलिकल पाथ आएगा, ये तो समझ में आ गया। क्या आया? हेलिकल पाथ आ गया, ये तो समझ में आ गया। अच्छा इसकी रेडियस अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लिखोगे आप? रेडियस क्या लिखोगे? तो रेडियस देखो, यहां पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक v0 cos थीटा जो उसे आगे लेके जा रहा है, और एक v0 sin थीटा जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रेडियस क्या आएगी? एम वी नॉट साइन थीटा बाय क्यू बी। रेडियस क्या आ गई? एम वी नॉट साइन थीटा बाय क्यू बी। और टाइम पीरियड वो उतना ही रहेगा, टू पाई एम बाय क्यू बी, ठीक है। अगर आपसे पिच पूछी जाए कि पिच कितनी होगी, तो पिच बताओ क्या आएगी, बताओ। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा इसमें बताना जरा? u0 cos थीटा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस 1/2 वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस 1/2 axt square, ठीक है। तो velocity along x axis कितनी है? तो v0 cos theta है into t plus 1/2 acceleration along x axis, तो qe by m into t square। बोलो clear है? अरे clear हो गया? Yes sir। समझ में आया यहाँ तक? भाई पहले हमने वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्यों नहीं ली थी? क्योंकि थी नहीं तो कहां से लेते हैं, जबकि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो v0 cos थीटा है। क्या है? v0 cos थीटा। बोलो समझ में आया? यस पक्का? यस ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। हमने कुछ इस तरीके से ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक।
ये ई एंड बी दोनों हमने ले ली एंड दे आर इन पैरेलल, ठीक है। और यहां पर हमने एक क्यू चार्ज पार्टिकल विथ मास एम वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए रिलीज किया है। अब बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा बताओ। अरे कोई तो बोलो क्या होगा इसमें, आपको दिख रहा है कि हाँ जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे, और थीटा की जगह 90 इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो भाई, क्यू चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन चार्ज इस तरफ रिलीज किया है, चार्ज इस तरफ रिलीज किया और फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो क्या होगा, सबसे पहले उसकी वेलोसिटी को जीरो किया जाएगा। भाई ये रिलीज किया तो ये ऐसे जाएगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, इसकी वेलोसिटी क्या की गई, जीरो, और जीरो करने के बाद क्या होगा, फिर से ये ट्रैवल करेगा। देखो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक, और फिर वापस से ये कैसे शुरू करेगा, है ना, आगे की तरफ आना शुरू करेगा, लाइक दिस, मतलब जीरो हुआ, जीरो होने के बाद फिर से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल स्टार्ट मूविंग। बोलो क्लियर है, पाथ हेलिकली होगा, yes, sir. पाथ कौन सा होगा, हेलिकल पाथ ही होगा, आई बात समझ में। देखो ये ऐसे गया, ऐसे गया, एक मिनट, ये ऐसे आना शुरू होगा फिर आगे की तरफ, समझ में आया, हेलो समझ में आया, यस सर, ठीक है, यस सर, कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। दूसरी चीज आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, और अगर क्यू चार्ज को रिलीज किया जाता है तो उसका जो पाथ बनता है वो साइक्लॉइड पाथ बनता है, कैसा पाथ बनता है, साइक्लॉइड, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। When electric field and magnetic field are perpendicular and Q charge released, so path will be साइक्लॉइड, इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो भाई क्लियर है यहां तक, यस सर, एनीवन हैज एनी डाउट नाउ,